और अब खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह से जेल की ग्रिल तोड़कर 14 बाल कैदी फरार हो गए। 14 बाल कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बाल कैदियों की तलाश शुरू की गई। काफी खोजबीन और चेकिंग के बाद 7 बाल कैदियों को बरामद कर लिया गया है, साथ ही 7 अन्य फरार की तलाश जारी है। राजकीय बाल संप्रेषण गृह में कैदियों के फरार होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते कई बार बाल कैदी फरार हो चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध न होने के कारण आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। फरार हुए कैदियों में कई गंभीर अपराधों में लिप्त होने के कारण सजा काट रहे हैं। 14 हैं जो यहाँ जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में रखे गए हैं, उनमें से 14 जो है वो रात में यहाँ पर जो खिड़की है उसको तोड़ करके यहाँ से फरार हो गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही लगातार पुलिस की टीमें पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके उनको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो 14 में से जो 7 हैं उनको रिकवर कर लिया गया है, पुनः अभिरक्षा में ले लिया गया है। बाकियों के लिए भी सभी थाना क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से वो संबंधित हैं और अन्य जगह पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी सूचना करा दी गई है। हमारी पुलिस टीम लगी हुई है, बहुत जल्द बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी अभिरक्षा में जल्द ही ले लिया जाएगा। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।